हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सा स्लीव का डिज़ाइन, जो आप आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने येलो कलर की 3 मीटर लेस यूज़ की है। आप कोई भी डिज़ाइन वाली लेस यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये वाला इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो लगभग 2 पॉइंट्स की विड्थ वाला है। आप 1/2 इंच वाला भी यूज़ कर सकती हैं। और अब हम इसे सेंटर से हमारी स्लीव को कट कर लेंगे। इसकी मूरी जो है मैंने 7 इंचेस कट की है, और इसकी जो मैंने लेंथ है वो 16.2 इंचेस कट की है। और बनने के बाद ये 15 इंचेस रेडी होगी हमारी स्लीव। तो अब हम इसको सबसे पहले लेस अटैच करेंगे। हमें इसी तरह जो हमने सेंटर से कट किया था उस साइड, हमें इस किनारी के साथ साथ लेस के हमें सिलाई लगानी है। और लेस और फैब्रिक की सीधी साइड एक तरफ होनी चाहिए, और जहाँ से हमारा कॉर्नर आएगा वहाँ से हमें इस तरह से मशीन को टर्न करना है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और इसको फैब्रिक के साथ सिलाई लगा कर अटैच कर लेना है। और अब हम इसको सीधी साइड टर्न करेंगे। हमें इसी तरह से इसे उल्टी साइड की तरफ लेस को घुमा देना है। अब देखिए हमारा कॉर्नर कितना फिनिशिंग के साथ आया है। और अब हम इसके साथ साथ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाकर हम हमारी स्लीव की एक साइड रेडी कर लेंगे। अभी हमारी स्लीव की एक साइड रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी लेस प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है हमारी स्लीव पे। और अब हम जो हमारी स्लीव का दूसरी साइड है उस पर भी हमें लेस को अटैच करना है। ये इस तरफ मैं लेस मूरी की साइड से अटैच करना शुरू कर रही हूँ। और इसी तरह से हमें टर्न करते हुए, जैसे हमने दूसरी तरफ लेस को अटैच किया था, सेम वैसे इसे अटैच कर लेंगे और इसकी सिलाई को दबा देंगे। और अगर आपको मेरे डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमने दोनों साइड स्लीव की लेस को अटैच कर लिया है। अभी जो है मैं टॉप से इसे बंद करूँगी, तो मैं 3 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। और इसके लिए जो है मैंने 7 इंचेस की ये पट्टी कट की है, जिसको हमें इसी तरह साइड से सिलाई लगानी है दोनों साइड से। और इसे अब हम सीधा कर लेंगे हमारी सीजर की हेल्प से। और अब हमें इसके ऊपर हमारी स्लीव को प्लेस करते हैं, जहाँ तक हमारा मार्क लगा है वहाँ तक हम इस फैब्रिक को अटैच करेंगे। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव की इसी तरह से इसे अटैच कर लेंगे। हमने टॉप से अटैच कर लिया है हमारी स्लीव को। अब हमें इलास्टिक लगाना है, तो मैं 3.5 इंचेस पे मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें दोनों साइड स्लीव के ड्रॉ कर लेनी है। और इसी लाइन के ऊपर मैंने जो इलास्टिक 4.5 इंचेस कट किया है, इस लाइन के ऊपर हमें इसे रख के हमें इसे स्ट्रेच करना है हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग। और इसके बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है स्लीव के साथ। और सेम इसी तरह हम इस साइड भी लगा लेंगे। ये बहुत ही कम टाइम में स्लीव्स बनती हैं। आप इसे फ्रॉक्स में, प्रिंटेड कुर्ती पे, किसी भी ड्रेस पे, शर्ट पे बना सकती हैं। हमने इलास्टिक अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैं 8 इंच शोल्डर मार्क कर रही हूँ और बॉटम से हमें बिल्कुल थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। जो हमारी स्लीव की फिटिंग की मार्किंग थी वो हो गई है। इसी मार्क के ऊपर हमें सिलाई लगानी है।
और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप और भी डिज़ाइन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में विज़िट करके भी देख सकते हैं। ये है हमारी स्लीव जो मैंने अभी सीधी टर्न कर लिया है। मैं इस पर ब्लैक कलर के बटन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो दो बटन्स भी लगा सकती हैं। मैं इसे सिंगल बटन ही यूज़ कर रही हूँ इसी पे। और जहाँ पे हमने इलास्टिक लगाया था उसी के ऊपर की साइड हमें ये बटन अटैच करना है। और अब हम इस बटन को अच्छे से लगा लेंगे। हमने बटन लगा लिया है, इसी तरह आप दूसरी स्लीव पीस रेडी कर सकती हैं। तो हमारी स्लीव बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है। आप इसी तरह अपनी कुर्ती को स्टाइलिश बना सकती हैं। और आपको ये स्लीव का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।